मध्य प्रदेश के दमोह से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी राहुल लोधी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री जयंत मलैया और गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। उन्होंने दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी का नामांकन दाखिल करवाया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को असहाय और उनके नेताओं को रोने वाला बतलाया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कुल मिलाकर असहाय हो गई है। दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा गया है, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। जब ऐसे नेताओं की हालत खराब है तो उनके प्रत्याशियों का क्या होगा। खजुराहो में तो ये लोग मैदान छोड़कर भाग गए हैं, पूरे प्रदेश में इनके पास नेतृत्व नहीं बचा है, जनता ने इन्हें नकार दिया है। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर बूथ पर लोग भाजपा में आ रहे हैं। 6 अप्रैल को करीब 1,00,000 लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी पावर भाई राहुल लोधी जी का नामांकन अभी दाखिल किया है और दमोह लोकसभा से पहले हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने यहाँ जनता की बेहतर सेवा की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई राहुल लोधी को अवसर दिया है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमोह के अंदर प्रत्येक बूथ पर विजय का इतिहास बनाएगी और दमोह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भाई राहुल लोधी जी के नेतृत्व में इस बार परचम फहराएगा। आपको क्या लगता है आप सक्सेस हो पाएंगे? कौन सा टिकाऊ की बात कर रहे हो आप? इस देश के अंदर कौन बिकाऊ है ये देश की जनता ने सुनिश्चित कर दिया है और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर दिया है। एक ही गुलामी का प्रतीक बचा है, वो है कांग्रेस, जो बूथ बूथ पर समाप्त हो रही है, देश के अंदर भी हो रही है, प्रदेश के अंदर भी हो रही है और दमोह के अंदर भी हो जाएगी। तो बिकाऊ कौन है, इस देश को बेचने का काम किसने किया है, ये शायद मुझे लगता है बेहतर तरीके से जानते और जनता ने ये तय कर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही है और भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मेहनत परिश्रम से चुनावी मैदान में उतरा है, हर बूथ पर कमल खिलेगा। नहीं, ये रो नहीं रहे हैं, ये कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी, जब उनके ऐसे नेता उनके हालात खराब है तो यहाँ दमोह के प्रत्याशी के क्या होंगे? खजुराहो के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए, पिछली पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1,00,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, हम तो बाकोबर नहीं मानते, हम तो मेहनत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंद्व को कभी कमजोर नहीं मानती और हम बूथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें निर्देश है, हर बूथ पर चुनाव लड़ना है। भाजपा बूथ पर चुनाव लड़ती है और हम कभी माइक्रो प्लानिंग के साथ ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, बूथ बूथ पर काम कर रहे हैं जनता की सेवा के लिए।